तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्रानील और आप देख रहे हैं बर्ड बर्ड मस्त विरुचन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस दुनिया के टॉप 5 बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, जो कि फ्री वर्सन में भी आते हैं और पेड वर्सन में भी आते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूट्यूबर्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल है, और इससे आप अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल काम भी कर सकते हैं। सपोज़ आप एक टीचर हैं और आप एक कंप्यूटर टीचर, सपोज़ आप कंसीडर कर लीजिए, आप अपने बच्चों को अपने कंप्यूटर का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, फिर उससे एक वीडियो बनाएंगे, फिर उस वीडियो को आपके बच्चों को दिखाएंगे, राइट? तो ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका आइकन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्री है और एकदम कम्प्लेक्स नहीं है, एकदम ही सिंपल है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से शूट किया है। ये अनलिमिटेड टाइम तक आपको रिकॉर्ड करके देगा, बहुत ही फ्री है, एकदम सिंपल। और इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है। आप जब इसको ओपन करोगे तो इंटरफेस आएगा, वहाँ पर कंट्रोल प्लस एन या और वहाँ पर एक आइकन भी होता है, अगर आप उस पर प्रेस करते हो तो आपका एक नया स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। आप उस पर एक एग्जिस्टिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन भी कर सकते हैं, और उसमें वीडियो एडिटिंग का कोई भी फीचर्स नहीं है। आप वहाँ पर वीडियो एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड ही कर सकते हो, ठीक है? आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने ये बता भी दिया। अब हमारे नंबर 4 पर आता है विंडोज़ इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर। एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है, आप इससे अपना डिस्प्ले और अगर आप कोई गेम प्ले का रिकॉर्ड करना चाहते हो, गेम प्ले का कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए अगर आप एकदम फ्री और अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विंडोज़ इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल ही यूज़ कीजिए। और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है विंडोज़ की +G। अगर आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, ये मेनली गेम बार, जो कि यह गेम प्ले एक्शन शूट करने के लिए ये ऐप बिल्ट किया हुआ है। अगर आप कोई गेम ओपन करते हो फिर आप इसको ओपन करते हो, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको गुड क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा। एकदम फ्री है, इसको इंस्टॉल करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एकदम इनबिल्ट रिकॉर्डिंग टूल है और इसमें एडिटिंग फीचर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब नंबर 3 पर आता है एपावर सॉफ्ट। एपावर सॉफ्ट भी एकदम बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड टाइम रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, आप इस पर अनलिमिटेड टाइम तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने भी ये इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत से फ्रेंड्स और बहुत से यूट्यूबर्स सजेशन लिया है कि ये कैसा है, ये यूज़फुल है या फिर बेकार है। मैं उन लोगों ने मुझे बताया कि तू इसको ही यूज़ कर, ये बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही फ्री है और ये एकदम वायरस फ्री और एकदम सेफ है, इसके साथ कोई भी वायरस और मालवेयर नहीं होता। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना एंटीवायरस भी टर्न ऑफ नहीं करना होता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल है। नंबर टू पर आता है बैंडीकैम। बैंडीकैम भी एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, जो आपको 4 BHK क्वालिटी में 4 HK क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्डिंग करके देता है। लेकिन इसका जो फ्री वर्शन में दो ड्रॉबैक्स हैं। एक है, इसमें एक वाटरमार्क आता है बहुत ही छोटा काइनमास्टर की तरह, एकदम टॉप में www.bandicam.com का वाटरमार्क आता है, एकदम छोटा
इसके लिए कोई टेंशन करने की बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फ्री वर्जन में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जिसके लिए मैंने बैंडिकम छोड़ दिया, जो कि है आप फ्री वर्जन में 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपका वीडियो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इस सॉफ्टवेयर का। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर को अगर कोई फ्री में इसको यूज़ करना चाहता है तो ये बिल्कुल यूज़ ना करें। मैं ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बैंडीकैम फ्री वर्जन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। लेकिन आप अगर छोटा 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग गेम प्ले एक्शन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, गेम प्ले एक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। पेड वर्जन या अनलिमिटेड टाइम तक 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा का स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर गेम प्ले एक्शन रिकॉर्डिंग, बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगा। बिट रेट आप एडिट कर सकते हो। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, लेकिन इसका सेटिंग्स जो है बहुत सा बड़ा है। आपको इसका बिट रेट, वीडियो क्वालिटी, आप काउंटडाउन दोगे या फिर नहीं, ये सब बहुत सारा चीज़ें एडिट करना होता है, बहुत सा कॉम्प्लेक्स है, टाइम वेस्टेज है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप फ्रीकैम 8 को ही यूज़ कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैंने अपना 5 या 6 वीडियो, पहले जो वीडियोस होते थे जो मैंने फ्रीकैम 8 से रिकॉर्डिंग किया हुआ है। अब नंबर 1 पर आता है OBS स्टूडियो। OBS स्टूडियो का फुल फॉर्म है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। ये लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो कि है स्ट्रीमलैब्स OBS। स्ट्रीमलैब्स OBS भी एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। इससे आप अपना गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो, गेम प्ले का लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, आप अपना डिस्प्ले कैप्चर भी कर सकते हो। बहुत सारे सेटिंग्स हैं, आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। और OBS स्टूडियो जो है इसका सेटिंग्स बहुत एकदम सिमिलर टू स्ट्रीमलैब्स OBS से ही है। स्ट्रीमलैब्स OBS और ये OBS स्टूडियो का सेटिंग्स एकदम ही एक। इसका जो सेटिंग्स है वहाँ पर भी एक है। यहाँ पर आपको सोर्सेस सीन सेट करना होता है, वहाँ पर स्ट्रीमलैब्स भी आपको सीन्स और सोर्सेस सेट करना होता है। यहाँ पर भी काउंटडाउन नहीं देता, वहाँ पर भी काउंटडाउन नहीं देता। यहाँ पर भी आप डिस्प्ले कैप्चर कर सकते हो, वहाँ पर भी आप डिस्प्ले कैप्चर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो है, ओपन OBS स्टूडियो से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि आप स्ट्रीमलैब्स OBS से नहीं कर सकते हो। ये भी बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, एकदम वायरस फ्री, मालवेयर फ्री। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।